छोरी। क्या हुआ बाबा, भैंस की कोई उंगली उठा था क्या? भैंस का भी उड़ती क्या? और तुम इतने बड़े का हुए? तू जरा रिकाम में बात कम हुआ था ना, तेरे को समझा दे रहा बेटा मैं। ऐसी मेरा दिमाग सही नहीं है, मेरे पेट में है ना चूहे कुतरे मालूम है क्या? अरे बाबा एक आइडिया है मेरे पास। क्या है? अरे तुम एक काम कर लो, जिंदी बिल्ली खा लो। पहले तेरा मुंह ही फोड़ डालूंगा बुद्धि गत के। ताला, ए ताला, लाती क्या खाने को? लाती क्या नाश्ता किस्ता देती? ये लो खाओ जितना खाना है। ऐसा ऐसा तन फन करके तू अगर खाने को देंगी ना, हाँ तो ये चलेगा नहीं है जो बोल दे रहा मैं? आ नहीं तो क्या आधे जो हिसाब से तूने पटकी ना रिकाबी, कुत्ते के भी सामने रखेंगी ना कुत्ता भी करके भाग जाएगा मालूम है क्या? मैं तो फिर भी इंसान है। अरे खाओगे भी कि बोलते ही रहोगे? बोलते रहेंगे। देख रहा क्या? इसको क्या दिखा रहे, तू देख रहे उनको? अरे उनको। अच्छा सॉरी सॉरी, खा लीजिए ना, इतना भी क्या इतराते हैं। उतनी प्यार से बोल दी ना, खा लेना मैं। ए जी, ना? मैं क्या बोल रही थी? क्या? वो मेरे बाबा का फोन आया था। बाबा? कौन बाबा? ऐसे क्या बोलते हैं? मेरे बाबा एमपी से फोन किए थे। ओ, तेरे बाबा का फोन आया था? कैसे की याद आ गई उनको? अपनी शादी को है ना 8 साल हो गए, जब से ना उन्होंने खैर खैरियत पूछे ना एक फोन करे, अचानक किसी का माया भया रहे वो रिचार्ज मार दिया फोन में उन्होंने। फोन करे थे? वो कह रहे थे ना कि उनको मेरी याद आ रही है, 15 दिन के लिए एमपी आ जा। वो जरूरत नहीं जाने की, समझ रही ना, मैं तेको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में भेज सकता, अफगानिस्तान भेज सकता, मगर तेरे बाप के पास एमपी भेज ही नहीं सकता मैं। ऐसे क्यों बोलते? बाबा मेरे मेरे लिए मोहब्बत तो होगी ना उनको? एक बात समझ ले तारा, तू है ये जो तेरा बाप है ना शमशेर अली खान एमएलए, वो तेरा बाप नहीं है, वो सियासत का सांप है, जब भी उठेगा ना किसको ना किसको डसेगा, कुछ करके कोई जरूरत नहीं जाने की। बोल दे रहा मैं बस। क्यों नहीं जानेगा, शादी के बाद से मैं आज तक मायके नहीं गई, और अगर मैं पहली बार बोल रही हूँ तो भी आप मुझे मना कर रहे हो। देख तारा, मैं तेको एक बात समझा रहा, मैं तेको जानू में भेज सकता मगर एमपी में तेरे बाप के पास नहीं भेज सकता, समझ रही ना? हाँ ऐसा ना तो अभी से मैं एक निवाला भी मुंह में नहीं डालूंगी, और यही तुम्हारे दरवाजे में भूख हड़ताल पे बैठूंगी। ऐसा भूख हड़ताल करेगी तू? करूंगी। भूख हड़ताल करेगी तू? करूंगी। बताई ना तूने कि तू शमशेर खान एमएलए की लीडर की बेटी है, मेरे घर में भूख हड़ताल करेंगी तू? मेरे घर में भूख हड़ताल करेंगी? करूंगी। कर हड़ताल, कर कुछ भी कर, मेरा खाना जहर करी ना तूने, अब तू भूख हड़ताल कर, मैं ज्यादा काम पे है ना। ओह नो, देखा भूख हड़ताल करेंगी जाएंगी। देखा ना, तेरा बाप मेरी एक पैसे की भी कदर नहीं करता है। ए माँ तू बोर मत करा मेरे को खाने, खा इसी चटनी में घुस जा। हेलो तारा बिटिया। हाँ डैडी। कहाँ है तेरा वो आदमी? अरे डैडी वो आपके दामाद है ना, जरा इज्जत से नाम लीजिए। अच्छा उसकी इज्जत करो, जिसने मुझे बेइज्जत किया, तुम्हें भगा के लेके गया और शादी किया, उसकी इज्जत करूँ मैं? उसकी इज्जत मैं नहीं कर सकता। अच्छा तारा बिटिया तू ये बता के कब आ रही है एमपी? डैडी मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन ये मुझे परमिशन ही नहीं दे रहे, डायरेक्ट बोल रहे कि तू तेरे मायके नहीं जा सकती। क्यों नहीं आ सकती मायके? उसके बाप का राज चल रहा क्या? उसको बोलना कि तू शमशेर अली खान की बेटी है, मतलब मेरी बेटी है तू, और मायके आने से तुझे उसका बाप भी नहीं रोक सकता। अरे लेकिन डैडी मैं आऊँ भी तो कैसे आऊँ, ये मुझे आने ही नहीं दे रहे ना। अरे तू टेंशन मत ले, मैं कल ही कांदे जा रहा हूँ तुझे लेने के वास्ते, तू कपड़े लत्ते सब भर कर रख। ऐसा क्या? ठीक है हाँ चल रखता हूँ। अरे लगता है यही घर है तारा बिटिया का, चलो देखते हैं। आइए आइए बेटी। ए बेटी, अरे कुछ दिला दे बेटी। माफ करो बाबा, छुट्टा नहीं है।
लगता है ये बुरीगत का मेरा नवासा है तांबे के बाल वाला। क्या रे बुरीगत के, मुझे फकीर समझा क्या तूने? जा तेरी माँ को बुला के ला। अरे बाबा आप, लेकिन आप भी फकीर के भेष में क्यों आए? अरे तारा बिटिया, वो जैने है ना, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर धिंगाने चालू कर देगा वो, इसलिए मैं फकीर के भेष में आ गया। कोई बात नहीं चिंटू, ये फकीर नहीं तेरे नाना है। नाना? नहीं माँ, ये मेरे नाना नहीं हो सकते, ये कोई फकीर ही है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। अरे रहने दे बिटिया, ये बुरी गत का उसी का खून है ना, उसी की जबान बोलेगा ये। तू जा बैग भर के लेके आ, उसके आने से पहले अपन यहाँ से निकल चलते हैं। मैं अभी आ रही हूँ, चल चिंटू। अरे इसे कहाँ ले रही है, इसको यहीं रहने दे। ओह नो, वो मेरा बेटा है ना। अरे तो उसका बाप उसको ढूंढते ढूंढते लेके आएगा, तू चल। अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, क्या दे बेटा चिंटू? अरे बेबे, काहे को रो रहा तू? बाबा माँ चली गई। माँ चली गई? कहाँ चली गई? एक फकीर आया था, माँ को अपने साथ ले गया। फकीर के साथ चली गई? कौन था रे वो फकीर? मेरे को मालूम नहीं, माँ बोल रही थी वो फकीर तेरे नाना है। ऐसा? अब मैं समझा, मैंने उसको जाने के वास्ते मना करा था ना, तो इसका मतलब कि उसका खुसर जो बाप है ना एमएलए, वो आया हुआ है, उसके साथ गई होंगी। एक बात बोलूं क्या बेटा, तूने एक बात सही बोला था कि तेरा नाना है ना वो है एमएलए, मगर मुंह से भिखारी दिखता वो दिखता। बाबा नाना तो माँ को लेके चले गए, अब तुम क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? आदे बेटा, मेरा भी नाम जैने है, जैने मालूम है क्या तेरे को? मैं है ना एमपी में जाके उसकी ईंट से ईंट नहीं बजाया तो मेरा भी नाम जैने नहीं। हाँ कैसा है तू? बता रहे दीदी, मैं तो मस्त है। अब तू आ गई ना, अपन साथ में खेलेंगे, खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे। अब खुश? बता रहे दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तारा दीदी आ गई, तारा दीदी आ गई। पागल ही है पहले से। मैं कितने साल बाद अपने घर आई हूँ। और तू दोबारा आप खानदेश नहीं जा सकती? क्यों डैडी? अरे मैं चाहता हूँ कि तू दोबारा वो कमीने के घर पर कभी ना जाए। ऐसा? आप क्या समझते हैं डैडी कि आप मुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक लेंगे और मेरा पति मुझे लेने नहीं आएगा? ये आपकी गलत फहमी है। अरे तारा बेटिया, ये एमपी है एमपी, यहाँ शमशेर खान की इजाजत के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। एमपी हो या यूपी हो, वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। ये तो होना ही था। बाबा अपुन, अपुन जा दे तेरी माँ को लाने के वास्ते। रुक जा, पहले मैं है ना तेरे नाना को फोन कर लेता है। हेलो। हेलो। हाँ लेके चलेगा बेटी को है ना, पड़ गई तुम्हारे कलीजे में ठंडक। तारा मेरी बेटी है, मैं उसे कहीं भी ले जा के रखूं, तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं बोल रहा तुम्हारा जवाई 8 साल जूना जैनिया। देख रे जैनिया, तारा मेरी बेटी है और मैं उसकी जिंदगी तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए मैं उसे एमपी लेकर आया हूँ। और एक बात सुन ले, अब वो कभी खानदेश नहीं आ सकती। हाँ एक बात समझ लो, मेरे घर से मेरी इजाजत के बिगड़ है ना कोई एक सुई नहीं लेके जा सकता, तुमने मेरी औरत को लेके चले गए। तारा खानदेश नहीं आ सकती ना, मगर जैने तो एमपी आ सकता ना। हाँ मैं निकला बोरा लेके
रस्ते में वो सड़क पर एक नीच आया, मैं उसे एक खींच आया, एक नीच आया, मैं उसे खींच आया। एक पगला परदेसी पीता है जो देसी, वन पीस आया उसे एक खींच आया, वन पीस आया मैं उसे एक खींच आया। इतनी सी बात पे रूठ गई हो, इतनी सी बात पे रूठ गई, मैं जैसे रंडवा हो गया। ऐ तारा तेरी यादों में ये दिल दीवाना खो गया, ओ मैं पागल आवारा जैसे एक बंजारा, तेरे बीच आया मैं उसे एक खींच आया, ओ तेरे बीच आया मैं उसे एक खींच आया। अरे कमाल कर दे साहब, मेरे को पहचान दे नहीं साहब, मैं बहुत बड़ा एक्टर है। चल आधार कार्ड बता, आधार कार्ड दो सर। नवाब अली बंदे खां, खरगोन का है क्या तू? हाँ साहब खरगोन का है, अपने ही एरिया का है बंदा। चल ले, चल निकल। हाँ साहब निकल रहा। ए रोक रोक रोक। अरे बाप, क्या हो साहब, कान वाई लगा दिए तुमने, डाका तो नहीं पड़ा कहीं पे? आधा होशियारे बात मत कर, आधार कार्ड बता, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मेरे पास आधा है, चलेगा क्या? ए मजाक कर रहे क्या? ऐसी बोल रहा था। ओ ए दो, ये मेरा, ये मेरे पौधे का जैनिया। हाँ सेठ चिंटू। हाँ कांदेश क्या कर रहे? हाँ अरे चिंटू कौन है? ये मेरा बेटा है ना। अरे इधर क्या कर रहे? इधर जा रहा, इंदौर जा रहा मैं, वहाँ मेरी औरत रहती ना, मेरी ससुराल है वहाँ। किसका जवाब ये रहे तू? हाँ भाई यही तो खास बात है ना साहब, मैं ऐसे कोई सादे भादे आदमी का जवाब ही नहीं है, वो तुम्हारे इंदौर के एमएलए नहीं है क्या? शमशेर अली खान, उनकी बेटी तादा याद खान की औरत है वो। ऐसा? उनका जवाब ही है तू? क्या सबूत है तेरे पास उनका जवाब ही है तू? क्या सबूत है मेरे पास? हाँ अरे निका नामा है मेरे पास, बता बेटा। चिंटू तेरी माँ का निका नामा बता दे इनको। सबूत के साथ आए ले दादा। हाँ बे फिर साहब, कच्चे काम नहीं करते ना अपन। जैनिया तारा शमशेर अली खान, सुन रहे जैनिया, हमको ऊपर से ऑर्डर है। हाँ? तू एमपी में जा नहीं सकता, समझा? जा सकता हूँ। और ये पकड़, ये तेरा निका नामा। हाँ? हाँ? हम यहाँ से वापस हो जा। एक बात समझ लो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें एक निका नामा फाड़ने से ना क्या जैनिया तारा से मिलने के वास्ते एमपी जा नहीं सकता। मैं हर हाल में जाऊँगा तो जाऊँगा, ये बात ध्यान रखना। जा रहा मैं, चल रहे बेटा। कह रहे कानून से मुँह चला रहे क्या? अरे 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 अरे, अरे गाड़ी गाड़ी ले। अरे वो जैने को पकड़ो रे। अरे तेरे को जैने की पकड़ने की पड़ी, अरे अपने को कोई बचाने वाला है क्या? वो देखो साहब, अरे कैसी कट मार के गया उसने, उसको हाथ दे उस पे कैसी बनाता मैं। बोल कहां पर चुप कर बैठी ओ मेरी तारा, तेरे गांव में आके जानम मैं थक्के खारा, ढूंढ ढूंढ के तेको मेरे पांव में पड़ गए छाले, घर आंगन भी सुना सुना
खाने के है लाले, ओ घर आजा पूरा की माँ, तू आके चिकोला बना। ओ घर आजा पूरा की माँ, तू आके चिकोला बना। तेरे झूठे बाबा ने ही घर में आग लगाई, ओ तेरे झूठे बाबा ने ही घर में आग लगाई। अपने मर्द से झगड़ा करके मैके में तू आई, फूट फूट के रोए है दिल, याद करे है तेको। मैंने तुझसे प्यार किया तू छोड़ के चल दी मेरे को, ओ घर आजा पोरा की माँ, तू आके चिकोला बना। ओ घर आजा पोरा की माँ, तू आके चिकोला बना। पानी पिएगा बेटा, चल। रुक जाना तो गोली मार दूंगा। हाँ बोल रहे इंस्पेक्टर। हाँ साहब, हमने जैने को पकड़ लिया है, अब इसका क्या करें? अरे उस बुरी गत के को गोली मार दो। हाँ जी साहब। एक मिनट शमशेर अली, अगर अपने जवाई का इनकाउंटर कर दोगे तो दूसरी सियासी पार्टियां उसका फायदा उठाए। तो फिर मैं क्या करूँ मियाँ जी? इंस्पेक्टर को कहो उसको घर से ले। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ साहब। वो बुरी गत के को घर पे लेके आ जाओ। हाँ जी साहब। मम्मी, तारा का दूल्हा आ गया, तारा का दूल्हा आ गया। ए दूल्हे, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलेगा वहाँ? रंगीन काकरोच, मैं खांदे से एमपी में है ना, तेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने नहीं आया बोधिगत के? मैं यहाँ पे मेरी तारा को लेने आया मैं। अरे डेंडा रहा, तू तेरा मुंह बंद कर, मियाँ जी बात करेंगे। जाओ मियाँ जी बात करो। कैन्या, मैंने सुना है तू बहुत खुददार आदमी है। अरे खुददार? अरे मेरी खुददारी के चर्चे है ना पूरे खानदेश में, मालूम है क्या तुमको? मेरी खुददारी की हद बता दे रहा मैं, अगर मैं बीमार भी पड़ता ना तो मैं मेरा इलाज खुद करता, मालूम है क्या? डॉक्टर का भी एहसान नहीं लेता मैं। रिकामे बाता सब छोड़ो, इधर उधर के बाता मत करो तुम, मेरे को खाली मेरी औरत को मेरे साथ भेजो, मैं ना उसको लेने आया। और मैं तुमको बता दे रहा, मैं है ना उसके बिगर रह नहीं सकता है। तुम एक ही शर्त पे तारा के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। क्या? तुम्हें इस घर में घर जवाई बन के रहना होगा। बोलो, तुम घर जवाई बन के रहने के लिए तैयार हो या नहीं? क्या बोल रहा? हर इंसान का धर्म रहता कि उसके बीवी बच्चों का वो ख्याल करे। तुम घर जवाई बनने के लिए तैयार हो या नहीं? एक बात बोलू क्या, मैं लड़की के वास्ते घर है ना घर रहता, मालूम है क्या? चाहे वो मायके का हो चाहे वो ससुराल का हो। तुम घर जवाई बनने के लिए तैयार हो या नहीं? अरे हाँ, मैं घर जवाई बनने के वास्ते तैयार है मैं। मान लिया घर जवाई बन रहा मैं, बस माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये घर जवाई बनने के लिए तैयार है। तो आओ घर में चल के तय कर लेते हैं कि घर के काम कितने काम तुम करोगे और कितने काम तारा करेगी। हाँ चलो ना, मैंने कब मना करा, चलो। एक मिनट मियाँ जी, पहले ये तो देख लिया जाए कि ये घर जवाई बनने के लायक है भी या नहीं। अगर ये घर जवाई बनने के लिए तैयार है तो बोलो शमशेर अली खान जिंदाबाद। शमशेर अली खान जिंदाबाद। अब बोलो मध्य प्रदेश जिंदाबाद। मध्य प्रदेश जिंदाबाद। अब कहो खानदेश मुर्दाबाद। शमशेर अली खान, शमशेर अली खान। तुम्हारा मध्य प्रदेश जिंदाबाद है, इससे मेरे को 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा खानदेश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है ना? क्या? हाँ। Hi guys,
सो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है जैनिया का गदर। सो गाइस हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।